Press the bell icon of the ePaathshala channel and never miss another update. So this is the third part of this chapter, democracy and diversity. इससे पहले हमने वीडियो के दो पार्ट अपलोड कर दिए दोस्तों. अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर समाज के अंदर सोशल डिवीजन होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीजन होता है, तो पॉलिटिकल बेस पे उसके तीन परिणाम हमें सामने देखने को मिलते हैं. तीन परिणाम में से पहला परिणाम ये होता है कि अगर सोशल डिफरेंसेस है, डिवीजन है, सॉरी सोशल डिवीजन है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि लोग अपनी पहचान कैसे समझते हैं. एक तो ये हो सकता है. दूसरा कारण ये हो सकता है कि राजनीतिक जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड्स को कैसे उठाते हैं. और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा डिफरेंट ग्रुप्स की मांगों के ऊपर कैसे कोई रिएक्ट करती है. मतलब अगर समाज के अंदर कोई भी एक डिवीजन हमें देखने को मिलता है तो राजनीतिक परिणाम तीन प्रकार के ही निकल के आएंगे. एक एक करके तीनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. तो मतलब पहला एक कारण हो सकता है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, लोग अपनी पहचान कैसे समझते हैं. तो मतलब इसके अंदर ना पहचान के ऊपर जो मेन टॉपिक दिया हुआ है कि अगर लोग अपने आप को सबसे अलग समझने लगेंगे तो वो उसको दूसरी कैटेगरी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें नॉर्दर्न आइलैंड की, तो उसके अंदर हमेशा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है. जबकि अगर कभी भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स लड़ाई से अलग हटके अपने आप को एक समान मानने की कोशिश करेंगे तो जब तक उनके बीच में ना तो शांति पैदा हो पाएगी और ना उनके साथ क्या कहते हैं कोई भी पॉलिटिकल इनिशिएट हो सकता है. तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ एक साथ आप आयरलैंड के साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको एक साथ जैसी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई एक अलग चीज़ है. लेकिन अगर वो अपने आप को नॉर्दर्न आयरलैंड का पहले हिस्सा मानेंगे तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी. ऐसा ही सेम आप अगर देखें तो अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी नंबर ऑफ संख्या में कोई ज़्यादा है कोई कम है, अगर उनको नज़रअंदाज करते हुए देखा जाए तो ये दोनों एक साथ मिलके बहुत आसानी से रह सकते थे. और ऐसा ही अगर बेल्जियम की देखा जाए तो बेल्जियम के अंदर भी कहीं ना कहीं बेल्जियम के लोग जो डच और जर्मनी बोलते थे और कुछ क्या कहते हैं पूरी तरीके से दूसरी कैटेगरी के लोग भी थे, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था क्योंकि वो पहले अपने आप को डच या जर्मनी नहीं बोलते थे, पहले वो अपने आप को बेल्जियम के वासी मानते थे. तो इस हिसाब से भी कहीं ना कहीं उनको साथ रहना बहुत आसान हो गया है ना. और ज़्यादातर हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे देश में तो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग एरिया हैं, कितने सारे हमारे देश में धर्म है, कितने सारे हमारे देश में लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ ही रहते हैं, है ना. तो ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है. दूसरा है हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी. मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, अगर किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को मानता है, तो आप देखेंगे अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग है, सिंपल सी बात है, संविधान के अकॉर्डिंग है, संवैधानिक ढांचे के भीतर है और दूसरे कैटेगरी के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसको फ़ायदा पहुंचाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है. लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यूगोस्लाविया से स्टेट के बारे में, तो यूगोस्लाविया के अंदर जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसमें एक कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे थे और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचा नहीं रहे थे. तो सिंपल सी बात है, देश टूटने की बात आएगी आएगी. ऐसे ही श्रीलंका के एग्जाम्पल के साथ था. श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हमेशा तमिल के लोगों को छोटा समझा और सिंगली लोगों को ऊपर समझा और सिंगली लोगों के लिए उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी. तो सिंगली लोगों को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी और उनको फ़ायदा पहुँचाया तो तमिल के लोगों को नुकसान हो गया और तमिल के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समझने लग गए और इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की डिमांड्स रखनी चालू कर दी कि तमिल भी एक अलग लैंग्वेज होनी चाहिए, उन्हें भी रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, शिक्षा और नौकरी जैसी चीज़ों के अंदर भी उन्हें इक्वल होना चाहिए, है ना. तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज टूटने की बात आ जाती है. तीसरा एक कारण जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है कि सरकार जो होती है किसी भी सामाजिक समूह की
जो मांग होती है उस पे कैसे रिएक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे बेल्जियम का उदाहरण, बेल्जियम के अंदर भी डच और जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने दोनों के लिए एक अच्छा इनिशिएट करा, अच्छी पावर शेयरिंग करी, जबकि श्रीलंका की गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं हो पाया था, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर सरकार ईमानदारी से ऑनेस्टली कोशिश करे तो सोशल डिवीजन को रोका जा सकता है, और अगर सरकार ऐसे ही स्टेप ले रही है तो सोशल डिवीजन देश के लिए खतरा होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपने दोनों एग्जाम्पल से समझ लिया कि सोशल डिवीजन जो है, यानी कि अगर पावर बांटने चाहते हो आप, तो आप अल्पसंख्यक के लोगों को भी पावर दे सकते हो। ये सामाजिक सोशल डिवीजन जो है देश के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। अगर आप इसको क्या कहते हैं दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे तमिल के अंदर दबाने की को जैसे श्रीलंका के अंदर दबाने की कोशिश करी गई थी और तमिल के लोगों को ज़्यादा उठने की कोशिश नहीं दी गई थी, तो सिंपल सी बात है इसका इफेक्ट हमें उल्टा देखने को मिलेगा। ये नुकसानदायक भी हो सकता है ना। तो जैसे कि उन्होंने अपनी खुद की लिट्टे बना ली थी और फिर राजीव गांधी की भी डेथ हो चुकी थी इसकी वजह से, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें समाज के अंदर सोशल डिवीजन, इन तीन डिमांड्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे दूसरी कंट्री कोई सी भी हो, तो सिंपल सी बात है सोशल डिवीजन देश के लिए खतरा पैदा नहीं करेगी। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड दिस इज इट इन दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक एंड प्लीज कमेंट मी कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।